जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन रहेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है, तो 22,083 करोड़। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओमाकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, दुबई में प्रसिद्ध मैडम प्रसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है, तो रजनीकांत की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है। तो अल कम्बर्गो। अगला क्वेश्चन है, UNDP द्वारा तीसरी खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी ग्राम है, तो 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं, तो 83%, 83%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंखाकार टोपी को GI टैग प्रदान किया गया है, असम की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, तो ए बी दोनों है, जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रवती शुरू किया गया है, तो हैती में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, एविल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मिशेल टेलाग्रेड को। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है, तो पोखरा, कौन है, पोखरा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 की सूची में, देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है, तो 4.1 स्कोर। अगला क्वेश्चन है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा परमा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वीं सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है, तो रौद्र सात्विकम। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत कौन सा स्थान पर रहा है, तो तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है, टी एस कृष्णा को। अगला क्वेश्चन है, वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, सी सही इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन है, तो उमा रेले। अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है,
तो एलावेल सदरलैंड की, जो ऑस्ट्रेलिया की है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 55वां। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां देश सदस्य बन गया है? तो स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रांस, यानी कि एबोर्शन नहीं करवा देते उसकी बात कर रहा है, गर्भपात यानी एबोर्शन वाला, बच्चा निकलवा देते। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? पटना, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2024 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम खनीविलकर। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहर ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, रेंगपो स्टेशन नाम से भारत किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? रेंगपो स्टेशन के नाम पे, तो सिक्किम में पहली स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? तो चौथे और 9वें स्थान पर है। भारतीय पुरुष चौथे स्थान पर है, महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नायब सैनी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो मलेरिया रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च दो को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है? तो वाटर फॉर प्रॉपर्टीज एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर है? तो 108वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो लेबनान और इजराइल, ब्लू लाइन। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? शरद कमल को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया गया है?
जो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च इसरो ने रिजुबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसे किस नाम दिया गया है? तो पुष्पक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो 100। अगला क्वेश्चन है, आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है, चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्स 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है? तो किस देश के साथ किया गया है टाइगर ट्राइम्स 24? तो USA के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय मूल की महिला वैश्विक बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? गीता बत्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना गया है? शीतल देवी को। किसे चुना गया है? शीतल देवी को, जो कि क्या है, आज का खिलाड़ी है तीरंदाजी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया गया है? तो महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा को। किसे? रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन है, 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की है, कितने फेज में आयोजित की जाएगी? सात फेज में। अगला क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर की है, दर्ज की है? 8.4%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य संबंधित माजुली मास्क को GI टैग मिला है? माजुली मास्क, तो असम। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 134 में। अगला क्वेश्चन है, तमिलसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो झारखंड। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके सहयोग के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया गया है? तो मेटा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, नए चुनाव आयोग के रूप में किसे चुना गया है? नए चुनाव आयोग किसे चुना गया है? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, दो लोग चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PB Saag को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो MV राव। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो UNEP के द्वारा, UNEP द्वारा। अगला क्वेश्चन है, साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो रचिन रविंद्र को। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? तो भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? हाल ही बिचेत है किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचराव आश्रम का उद्घाटन किया है? कोचराव आश्रम का उद्घाटन किया है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सेशेल्स। कौन में? सेशेल्स में। अगला क्वेश्चन है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना फिस्कोवा किस देश की है? तो चेक रिपब्लिक की। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन यानी डबल लाइन टनल का उद्घाटन किया गया है तो अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? तो पनामा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? नील वैगनर न्यूजीलैंड के हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो किलियन मर्फी ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है?
तो सुधा मूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? यतिन भास्कर दुग्गल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो मिनिकाय द्वीप पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो हिसार में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि 5। कमेंट में बताना है इसकी क्षमता कितनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है तो झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? शिमला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की आदिवासी पोशाक रेशा को GI टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत को किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एशिया को। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो प्रोफेसर नाइमा खातून। अगला क्वेश्चन है, 77वीं कांस फिल्म फेस्टिवल के लॉसनेट सेक्शन में सुने जाने वाली सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो पहली। अगला क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यजवेंद्र चहल हैं, चहल भाई। अगला क्वेश्चन है, किस पश्चिमी एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? तो कुवैत में, यहाँ पर कुवैत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को बेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य के मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो रामचरण को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो दिल्ली में, यहाँ पर दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में परमवीर चक्र उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? आर्यभट्ट पुरस्कार, तो डॉक्टर पावलूरी सुब्बाराव को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने से एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपना वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो सूरत से। सूरत से।